हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनियर बाई के बवासीर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेनियर बाई के रिटेलर हैं और आपने इसके नए वर्जन 5.5.7 से इसे अपडेट कर दिया तो आपको जरूर बवासीर देखने को मिल गया होगा। हो ये रहा है कि जब आप एपीएस ट्रांजेक्शन इस नए वर्जन पे आप करने जा रहे हो तो आप अगर किसी कस्टमर का जब बैलेंस चेक किया पहले एंड फिर लगे आप उसी कस्टमर उठाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर किसी कस्टमर बैलेंस विड्रॉ किया फिर कोई दूसरे कस्टमर बैलेंस विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो और आप अपने डिवाइस कंटिन्यू लगा के ही रखे हो तो आपको एक एरर दिखने को मिलेगा, प्लीज डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट डिवाइस अगेन, जबकि हमारा डिवाइस पहले से लगी हुई है। जो ये अभी ऐप का इशू है या फिर इसके डेवलपर ने जानबूझ के ऐसा कर दिया अभी ये नहीं कहता, लेकिन इसे आने के बाद काफी ज्यादा दिक्कत है। स्पेशली मुझे दिन भर में काम कर रहा हूँ, डिवाइस को निकाल रहा हूँ, लगा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, जिस कारण मेरे मोबाइल के जो पिन होते हैं ना, अगर पुराने एंड्रॉइड या नए एंड्रॉइड आपके होंगे तो वो खराब हो जाएंगे। बहुत बार निकाल दूंगा दिन भर में, अगर 100 बार आप निकाल दूंगा कर दोगे तो बहुत दिन में आप मान लो 20 बार करते हो, 30 बार करते हो काम करने। अभी यहाँ पर आपको हर ट्रांजेक्शन पहले ले घुसा निकाल करना पड़ रहा है, जिस कारण आपके मोबाइल तो जाएंगे जाए, इसकी पैसा कंपनी वाले कोई नहीं देगा, आपका नुकसान होगा। जब मैं इसके रिगार्डिंग बात की कंपनी, उनका कहना है कि हाँ ये सभी लोगों को दिक्कत आ रही है, इसके 24 घंटे का वेट करने क्या है, उसने कहा एक नए अपडेट से फिक्स कर लिया जाएगा। लेकिन अभी आपको अगर दिक्कत आ रहा है इस वर्जन से 5.5.7 अपडेट कर ली है तो सिंपली आप 5.5.6 वर्जन आपके किसी दूसरे मोबाइल, जैसे मेरे एक मोबाइल में 5.5.6 है, आपके करंट वर्जन 5.5.7 उसे अनइंस्टॉल कर दो। अगर नेट से कहीं मिल जाती है आपको तो 5.5.6 को इंस्टॉल करो और पहले की तरह इस्तेमाल करो, नहीं तो ये बवासीर आपको कहीं देखने मिला जो आपके मोबाइल को जर मार देगा। तो ये है अपडेट पेनियर बाई के ऊपर, इसके नए वर्जन पे होने वाले बग बोले, इशू बोले या प्रॉब्लम के बारे में। बाकी आप एपीएस का धंधा करते हो तो आपने निकाल के एपीएस पैसे किस पर कैश में कन्वर्ट करें, उसे कैश कैसे बनाए बिना किसी प्रॉब्लम के, आप उसके सामने वीडियो देखने मिलो, चेकआउट कर सकते हैं। मैंने प्रॉपर डिटेल के साथ सही से जानकारी साथ जेन्युइन तरीका बताऊं किस प्रकार एपीएस से निकासी किए गए पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सके। आई होप यू आपके लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।